हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए तरबूज के छिलकों का हलवा लेकर आई हूँ। अभी मैं आपको सब्जी बता चुकी हूँ और ये मैं वाटरमेलन जूस बता चुकी हूँ और आज बना रहे हैं हम हलवा। जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने लिया है देसी घी, जो हम केवल एक चम्मच यूज करेंगे। एक टेबल स्पून आपके सामने ये सूजी है, कुछ ये छिलके हैं, चार बादाम की कतरन और चार पिस्ते को हमने ऐसे बारीक काट लिया है, ऑप्शनल है। चीनी है स्वाद के अनुसार, शुगर है और ये आधा कप दूध हमने लिया है। तो इसको मैं सबसे पहले बताती हूँ कि छिलकों का कैसे करना है। तो देखिए क्या करना है, ये जो छिलका है ना हरे कलर का, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाता है ये। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और जो ये गूदा बचा है छिलका उतरने, ग्रीन पार्ट आप पूरा निकाल दें इसका, जो ये गूदा बचा है इसको हम पीसेस करके मिक्सी में डालेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इसको ऐसे मिक्सी में डाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या है इसका पेस्ट बनाना है। एक कद्दूकस करके भी बनाते हैं हलवा किस कर, लेकिन मैं इसको आपको पेस्ट से बताऊंगी। और देखिए ये इस तरह का हमने इसको बिना पानी के पीस लिया है, अच्छे से महीन हो गया है। ये आपको ऐसे दानेदार दिख रहा है क्योंकि इसका टेक्सचर ऐसा है। ये देखिए, वैसे इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, छिलका नहीं है और ये बहुत अच्छे से पिस गया है। और ये देखिए एक कप के करीब ये हो गया है। मेजर करके इसलिए बता रही हूँ कि ज्यादा हो जाएगा तो आपका ये सब रेशो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें डाल रहे हैं हम घी, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सूजी भुन जाए बस उतना डालना है। तो ये एक डेढ़ चम्मच घी है, ठीक है। इसको करने देते हैं गरम, हल्का सा गरम होते ही हम इसमें ये एक टेबलस्पून सूजी डाल देंगे, एक टेबलस्पून ही लेनी है आपको। और इसको अच्छे से भूनेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर, खुशबू आने तक, जले नहीं। ताकि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। देखिए इस तरह से भुनना शुरू हो गया है, मतलब एक से दो चम्मच घी आप ले सकते हैं, मैंने डेढ़ चम्मच लिया है और ये सूजी भुनना शुरू हो गई है। तेज करेंगे तो हमारी सूजी इतनी कम है कि तेज आंच पर जल जाएगी, तो बिल्कुल धीमी आंच पर। आपको पता है जैसे आप हलवे की सूजी भूनते हैं, हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है, कलर चेंज होने देंगे तब तक हम थोड़ा सा इसको लगातार चलाते हुए भूनते हैं। ये देखिए रंग बिल्कुल चेंज हो गया है इसका, मैं आपको पास से दिखाऊं, आपको इतना कैमरे में नहीं दिख रहा है, नहीं तो ब्राउन हो गई है सूजी अच्छे से। और ये थोड़ी सी मोटे वाली सूजी है तो अच्छा दानेदार ये हलवा लगता है। अब हम डालेंगे इसमें ये तरबूज का पेस्ट और इसको डालने में बस बिल्कुल एकदम से आपको ध्यान रखना है कि जले नहीं। अब हम डाल देंगे इसमें ये तरबूज का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी के साथ और इसको भी हमें भूनना है, ये तरबूज का जो पेस्ट है ना इसको भी हमें भूनना है। ये देखिए कुछ कुछ पानी सूखना शुरू हो गया है ना, इस टाइप से हमें और भूनना है। इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। अब देख रहे हैं ना आप कितने अच्छे से भुन गया है, इसका सारा पानी निकल गया है, कच्चापन निकल गया है इसका। और बहुत अच्छे से देखिए भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, इन चीजों को पेशेंस के साथ बनाना चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें ये दूध, गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे और ये आधा कप दूध हम इसमें डाल देंगे। इसको साथ साथ चलाते हुए मिक्स करेंगे। और इस हलवे की खासियत है कि सूजी का हलवा आपका थोड़ी देर के बाद ना सख्त हो जाता है रखा रखा, लेकिन ये टेक्सचर इसका सेम ही रहता है जैसा आप इसको तैयार करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है और ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं हमेशा थोड़े इंग्रेडिएंट से आपको बता रही हूँ, कम क्वांटिटी से, सॉरी, तो कि आप कम क्वांटिटी से बनाएंगे, अपना अपना टेस्ट है, हो सकता है आपको नहीं भी अच्छा लगे तो एटलीस्ट आप ट्राई तो कर पाएंगे कि अच्छा बना है कि नहीं बना है। ये देखिए अब इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। एक टेबल स्पून हम इसमें चीनी डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा मुझे कम लगा मीठा तो मैंने
आधा टेबलस्पून और डाला है। आप टेस्ट करके ही देखिएगा, कम खाते हैं तो कम रखिएगा। अब हम इसको बस भूनने वाले हैं थोड़ा सा, और ये एक ही बाउल हलवा तैयार होता है इतने उसमें, तो 1 से 2 मिनट हम इसको और भूनेंगे। और देखिए कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है और ये अच्छे से भुन गया है। ये देखिए कलर भी अच्छा आया है, और ये जैसा अभी सॉफ्ट है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, शाम तक ठंडा होने के बाद भी ऐसा ही रहेगा। इसमें हम कुछ बादाम डाल देते हैं, पिस्ता डाल देते हैं, और कुछ ऊपर से गार्निश कर देंगे। और ये देखिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए ये बन गया है हमारा तरबूज के छिलकों का हलवा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।